28 दिसंबर को एक फायरिंग की घटना हुई थी उत्तम स्टोर के, जिस पर SHO को तुरंत मौके पर भेजा गया था। CO भी गया मौके पे और एडिशनल SP साहब के निर्देशन में जो है उसको जो है निगरानी की जा रही थी। तो आशीष अग्रवाल हैं उत्तम स्टोर के मालिक, तो उन्होंने ये बताया कि साहब 27 तारीख को मेरे पास सूरज उर्फ गुंडी का धमकी भरा फ़ोन आया था और फिर होती मांगते हुए धमकी दी थी कि अगर इतने रुपए 50 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा, जिस पर उन्होंने बताया कि मैंने मना कर दिया। और मना करने पर अगले दिन ये दो लड़के मोटरसाइकिल पर बैठ कर आए, जिसमें एक लड़का नीचे उतर कर आया, उसने शोरूम के ऊपर जो कांच है उस कांच के ऊपर फायर किए तीन। CCTV फुटेज देखे गए, CCTV फुटेज देखकर जो मोटरसाइकिल पर बदमाश आए थे उनकी फ़ोटो वगैरह लेके उनकी पहचान की गई। और पहचान से ये हुआ कि एक लड़का मुकुल नायक और दूसरे लड़के का नाम अंकित रंगीर, जिस पर एक टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना जो है मामूर की गई, तो पता लगा कि ये यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। जिस पर पहले सबसे पहले तो जिस मोटरसाइकिल पर वारदात की थी उस मोटरसाइकिल को एक जगह से बरामद किया गया जहाँ ये खड़ा करके भग गए थे। और उसके बाद जो सूचना आई सूचना के आधार पर एक को तो काला डेरा चौमू के यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जो कि किसी ट्रक में बैठकर जा रहा था जिससे कूदने से उसके पैरों की चोट वगैरह लगी बताते हैं। और दूसरे की सूचना मांडन भीलवाड़ा की आई थी और उसको वहाँ जाकर SHO ने अपने जो भी लोकेशन वगैरह जैसे पुलिस के सिस्टम से आती है उसको वहाँ से राउंड अप किया है। चूँकि दोनों FIR में नामजद नहीं थे और हुलिये के आधार पर इनकी पहचान और इनकी शिनाख्त अपडेट करवानी है, इसलिए उनको बापरदा गिरफ्तार किया गया, बापरदा रखा गया। नहीं अभी तो एक बार जो है पूछताछ जो हथियार है वो तो जो किया है वो कहाँ रखा है कहाँ छुपाया है वो उनकी सूचना के उत्तला के आधार पर जैसे भी संभव होगा उसको बरामद किया जाएगा। और अन्य कौन कौन लोग हैं, किसके कहने से इन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि सूरज उर्फ गुंडी का नाम तो आ ही रहा है और अन्य कौन का नाम आता है, कोई एक दूसरा नाम भी इन्होंने बताया है पूछताछ में, सुरेश कुमावत, ये कौन है क्या है इसके मामले में रिपोर्ट ली जाएगी। और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक तो मुकुल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के चिड़ावा में और रानौली में प्रकरण दर्ज हैं और अंकित के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, मामला पिलान थाने में ही दर्ज है।